तो आप लोग बताएंगे कि भैया ये क्या बना रहे हैं? हाँ भैया बताएंगे, ये नर्सरी बेड है भैया। तो ये किस चीज के लिए बना रहे हैं? ये टमाटर की रोपाई करेंगे भैया इसमें। हाँ तो टमाटर की रोपाई तो अपन तो ऐसी भी बना सकते हैं भैया, ऊपर उठा कर ऐसे बना है भैया। हम टमाटर की रोपाई के लायक ऐसे ऊंचा बना है कि टमाटर के जो पौधा भी रोप रख दो, तो जैसे कि अपन बराबर करके रख दें, वो मैं ऊपर के जो पानी गिरी वो पानी से अपन रोपा खराब हो ही, और जो ऊंचाई करके बनाए हैं एक बनाने से जैसे अपन रोपा उखान वो, तो ऐसे रोपा भी अपन के उसलाई में बहुत आसान है भैया। अच्छा, माने ऐसे कर कैसे निकाले थे अपन पूरे जड़ सहित आ जाते, जड़ सहित आ जाते। अच्छा अच्छा, और एक ही संग कुछ मिट्टी भी रह जाती है पौधा से। अच्छा अच्छा, एक ही वजह से हम ये लोग ऊंचाई करके बनाए हैं। अच्छा, तो अब जैसे ऊंचा बना लेते अब इसमें सीधे बीज डाल दूंगी। हाँ भैया, अभी मैं उपचार करने। अच्छा, एक मिट्टी को उपचार कर। उपचार करने। तो मिट्टी उपचार कैसे करते भैया, बताने को भैया? बताता भैया, तो दिखाओ ना, तो कैसे करते हो अपन भी देखें। हाँ भैया। अच्छा भैया, ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? हाँ, ये दवाई है सुमोना, सुमोना है ये मिला। सुमोना? हाँ, ये सुमोना है। अच्छा, इसको कितना मिलाएंगे? इसको भैया एक नर्सरी में 50 ग्राम मिलाएंगे भैया। 50 ग्राम? हाँ भैया। ये नर्सरी कितना कितना लंबा चौड़ा होगा भैया? ये नर्सरी है भैया 11 फीट की लंबाई है और 3 फीट के चौड़ा है भैया। उसके लिए 50 ग्राम? उसके लिए है 50 ग्राम सुमोना। वो कौन सी दवाई भी है? ये भी भैया दवाई है, ये है निप्रोट है भैया। निप्रोट? हाँ भैया। ये इसको कितना मिलाएंगे? इसको भी 50 ग्राम मिलाएंगे भैया। दोनों को 50-50 ग्राम? हाँ, दोनों को 50-50 ग्राम मिलाएंगे। 3 फीट चौड़ा और 11 फीट नर्सरी के लिए 50-50 ग्राम सुमोना, 50 ग्राम और 50 ग्राम निप्रोट। कितना आप इसमें? हाँ भैया। हाँ, क्यों मिलाते हैं भैया अपन ये? भैया इसमें ऐसे मिलाते हैं कि जैसे मिट्टी में कई कीटाणु हैं। अच्छा, कीटाणु की वजह से मिलाते हैं भैया, और ये अपने खाद के काम भी करता है भैया। अच्छा, ये सुमोना खाद के लिए भी काम करता है भैया। ठीक है भैया, तो मिलाओ कैसे?